हाय फ्रेंड्स, कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए कितना टेस्टी और स्वादिष्ट ये काला जामुन बना हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है और देखने में भी देखिए कहीं से फटा भी नहीं है। बहुत ही अच्छा ये बना हुआ है। अगर आप मेरे ट्रिक से बनाएंगी तो आपका गुलाब जामुन कभी भी नहीं फटेगा और इसी तरह से टेस्टी और स्वादिष्ट बन करके तैयार होगा। मुँह में घुल जाने वाली ये गुलाब जामुन बनी हुई है। जैसे आप मुंह में डालेंगी आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मुंह में आपके घुल गया। बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करते हैं। हमारे हर त्यौहार पे ये बनता है, तो आइए होली स्पेशल में मैं आपको गुलाब जामुन बनाना बताती हूँ। है ना कितना स्वादिष्ट, देखिए देखने में कितना अच्छा है। ये 500 ग्राम चीनी है, किसी भी कटोरे से आप मेजरमेंट कर लीजिए। एक कटोरा अगर आप चीनी डाल रही हैं तो एक कटोरा आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा। जितना चीनी आप डालेंगे उसके दुगना आपको इसमें पानी डालना है। मैं दो कटोरा चीनी डाल रही हूँ तो दो कटोरा भर भर के मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। धीमी आंच रखना, बहुत तेज आंच पे चाशनी नहीं बनानी है क्योंकि हमको चाशनी को बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है। एक तार की चाशनी बनानी है। थोड़ी सी जब ये चिपचिपी हो जाएगी तो हम इसको उतार लेंगे। अब ये देखिए एक किलो के करीब ये मावा है, इसको अच्छी तरह से मसल लेना है आपको। हाथ से मसल मसल करके इसको आपको बनाना है। तब तक एक बार इसको चला देते हैं। इसमें देखिए चीनी में ऊपर गंदगी आ जाती है, इसमें थोड़े से दूध के छींटे डालिए और सारी गंदगी ऊपर आ जाएगी, उसको बाहर निकाल दीजिए। एक चुटकी मैंने इसमें केसर डाला है। केसर डालने से बहुत ही अच्छा इसका कलर आता है। और एक चम्मच भर के छोटी इलायची का पाउडर डालना है, जिसको आप हरी इलायची भी बोलते हैं। अगर मेरे ट्रिक से बनाएंगी तो आपका गुलाब जामुन बिल्कुल ही नहीं फटेगा। इसको हाथ से मल मल करके अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसमें आपको बड़े चम्मच से 3 चम्मच मैदा ऐड करना है। वही चम्मच जो आप डिनर में प्रयोग करती हैं उसी चम्मच से आप 3 चम्मच भर भर के मैदा ऐड करिए। 1 किलो खोआ है, इसमें 3 चम्मच आपको मैदा ऐड करना है। मैदा ऐड करके आप इसको अच्छी तरह से मल मल कर आटे की तरह गूंथ लीजिए। हथेली की सहायता से आपको इसको मलना है इस तरह से। बहुत ही सॉफ्ट ये आटा बन करके तैयार हो गया। जब आपके हाथ में ये चिपकने न लगे तब समझ लीजिए कि गुलाब जामुन का आटा आपका बन करके तैयार हो गया है। अब छोटे छोटे पेड़े लीजिए और इसको छोटी छोटी गोली बना लीजिए। बहुत दबा दबा करके आपको गोली नहीं बनाना है, हल्के हाथ से आप इसको गोली बनाती चली जाइए। बनाने के बाद आप इसके अंदर छोटी इलायची ऐड करिए, छोटी इलायची का बीज, उसका छिलका उतार लीजिए और उसका बीज इसमें डाल करके गोला बना लीजिए। बहुत लोग इसमें लाची दाना भी डालते हैं, लेकिन मैं लाची दाना नहीं डाल रही हूँ क्योंकि लाची दाना डालने से बहुत ही ज़्यादा ये मीठी बन करके तैयार हो जाएगी। इसलिए मीठा थोड़ा सा कम करने के लिए मैंने इसमें छोटी इलायची का दाना डाला है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जब ये दांत के नीचे पड़ता है तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट और खुशबू आता है। मेहमान तो खा करके इसको खुश हो जाएंगे। आप भी बना करके ट्राई करिएगा और इसको बनाइएगा और खाइएगा और फिर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप कमेंट अवश्य करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा, वो तो आपकी मर्जी है। आप जिस मर्जी से चाहें उस मर्जी से इसको कर सकती हैं। अब इस तरह से छोटे छोटे गोले काट करके हम सारे गोले इस तरह से गुलाब जामुन के बना करके रख लेंगे। बनाने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। दस मिनट छोड़ने के बाद ये होगा कि आपके गुलाब जामुन काफ़ी फूले फूले और सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। इसमें देखिए न इनो है न सोडा है, फिर भी ये आपके गुलाब जामुन बहुत ही मुलायम और टेस्टी बन करके तैयार होंगे। अब कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें ऑयल गरम करिए। ऑयल गरम करके आंच बिल्कुल धीमा कर दीजिए, एकदम लो टू मीडियम कर दीजिए और इसमें आप
एक एक करके गुलाब जामुन डालते चले जाइए। और धीमी आँच पर सेकेंगे तो ये अंदर से बहुत अच्छे से पक जाता है और सॉफ्ट और मुलायम बन करके तैयार होता है। ऊपर से देखिए सुनहरे कलर का जब हो जाए तब आपको इसको निकालना है। बहुत जल्दी नहीं निकालना, जब तक ये सुनहरे कलर का ना हो जाए तब तक आपको इसको पकाना है। देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है ना, और एक भी गुलाब जामुन आपका कहीं भी से टूटा नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बन करके तैयार हो गया। अगर मेरे ट्रिक से बनाएंगी तो आपको इनो सोडा की आवश्यकता नहीं होगी और इसी तरह से चिकना चिकना और अच्छा गुलाब जामुन आपका बन करके तैयार होगा। अब इसको आपको रखना नहीं है, सिरा बना करके जो रखी है उसमें देखिए इसको डाल दीजिए। इस तरह से इसको बना बना करके इसमें डालती जाइए। डालने से ये होगा कि अच्छी तरह से सिरा इसमें एब्जॉर्ब कर लेगा और अंदर तक आपका सिरा घुल जाएगा, चला जाएगा। इस तरह से जितने भी गोले हैं धीरे धीरे आप सारे गोलों को तल लीजिए। धीमी आंच पे ही आपको बनाना है, बहुत तेज आंच नहीं करना है। बहुत तेज आंच करेंगी तो ऊपर से ये जल जाएगा और नीचे से ये कच्चा रह जाएगा और ये फूलेगा भी नहीं, ये अपने आकार से दोगुना बढ़ जाता है। छोटा छोटा गोला बनाएंगी तो ये दूना हो जाता है। आपकी मर्जी, आप छोटे पीस में बनाइए या बड़े पीस में बनाइए, आप अपने इच्छा के अनुसार छोटा या बड़ा गोला कर सकती हैं। मैं तो न छोटा और ही न बड़ा, मैं मध्यम साइज़ का गोला बना करके रखी हूँ। देखिए इस तरह से धीमी आंच करके धीरे धीरे ही आपको इस गोले को सेकना है। एक तरफ हो गया और दूसरी तरफ इसको पलट देंगे। पलटने के बाद धीरे से इसको निकाल करके इसी जाली वाले बर्तन में रखेंगे कि सारे इसके घी तेल जो है वो निकल करके बाहर आ जाए। इस तरह से सारे तेल ही अच्छी तरह से निकल जाएंगे। निकलने के बाद ही हम इसको सिरे में डालेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना, गोल्डन कलर, और कहीं से भी ये क्रैक नहीं हुआ है, बहुत ही चिकना बना हुआ है। आप एक बार इसको अवश्य ट्राई करके बनाइएगा। अब इसे सिरे में इसको डाल देते हैं। इस तरह से देखिए थोड़ा सा अलट पलट दीजिए, ऐसे कर देंगी तो थोड़ा मतलब ये नीचे तक एब्जॉर्ब कर लेगा इसमें सिरा। ये देखिए बन करके गुलाब जामुन कितना टेस्टी तैयार हो गया है ना, कितना अच्छा। आप इसको मेहमानों को परोसिए, मेहमान खाने पर इसको टूट पड़ेंगे और आपकी तारीफ अवश्य करेंगे। निश्चित ही अवश्य आपकी तारीफ होगी इस बार होली में। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और मुलायम ये बना हुआ, देखिए कितना जूसी है, अंदर तक इसमें सिरा जा चुका है। अगर कोई कम शुगर प्रयोग करता है तो आप इसको ऊपर से निकालिए इस तरह से और परोसिए। देखिए कितना अच्छा है ना, कितना टेस्टी बना हुआ है, कितना सॉफ्ट कितना मुलायम है, ये बहुत ही सुंदर ये बन करके गुलाब जामुन तैयार हुआ है। कहीं से भी देखिए क्रैक नहीं है और न कहीं से ये अंदर गुठली बना है, बहुत ही मुलायम और बना हुआ है, बिल्कुल मार्केट की तरह है। आप एक बार बनाएंगी तो मार्केट का काला जामुन खाना भूल जाएंगी। देखिए है ना कितना अच्छा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।